जो आपके हाथ में बाइबल है, वर्ड है, यही आपको छुड़ाने वाला है आज। आज हर वो कर्स जिसके नीचे आप थे या हैं, इस वर्ड के द्वारा ये खत्म है, ये ब्रेक हो चुका है। जो भी फेलियर आपकी लाइफ के ऊपर था, ये वचन उस फेलियर से आपको आजाद करने वाला आज। हर वो चीज जो शैतान ने आपको दी है, इस वर्ड के द्वारा वो कैंसिल। अगर आमीन ऊंच है तो आशीष आपकी। आज मेरा बिलीव है कि जब ये वर्ड आप सुनेंगे, आपको मालूम होगा कि परमेश्वर किस तरह आपकी लाइफ में काम करता है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, वो उस तरह काम नहीं करता जिस तरह से तू चाहता है, वो उस तरह से काम करता है जिस तरह से वो चाहता है। आमीन। कोई भी ऐसा नहीं है यहां पे जिसके जीवन में परमेश्वर का प्लान नहीं, एक भी नहीं। चाहे हम लाखों की गिनती में हों, हमें लगता है हम तो लाखों, क्या परमेश्वर हमें जानते हैं? आपसे लाख गुना तारे हैं आसमान में, और एक एक तारा पृथ्वी से लाख गुना बड़ा है। वो इतना बड़ा परमेश्वर है, उसको उसकी निगाह से देखो। जब ये मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई 2008 में, 2007 में जब मैं खामरा में था, तो मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि ऐसे दो घर थे जो पवित्र आत्मा ने मुझे खुद जाने के लिए बोला था। मेरे को एड्रेस नहीं मालूम था, जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, एरिया नहीं मालूम था, बिल्कुल नया था इस एरिया में, क्योंकि मैं मॉडल टाउन का रहने वाला था जलंधर। जब मैं यहाँ आया तो होली स्पिरिट ने मुझे बोला, इस साइड इस गांव को जा। उस गांव को मैं गया, अब आगे जा, आगे गया, अब इस गली मुड़, अब जाके पूछ यहाँ क्रिश्चियन कौन है। कहते यहाँ एक ही क्रिश्चियन घर है ये। उस घर में मैं गया, मेरे को डर नहीं होता था ऐसे कि जय मसीह की, जय मसीह की, कितना आया जी, मैं इतना आया जी, तुसी कितना जी, मैं इतना जी। आप जानते हैं उस घर के टेस्टिमनी क्या? उस औरत को पथरी हो गई थी, और किसी ने बताया आप चर्च जाओ, प्रार्थना करवाओ, आपकी हीलिंग हो जाएगी, आप चर्च में जाया करो। उसने चर्च में जाना शुरू किया, हस्बैंड ने जाना शुरू कर दिया, घर वालों ने फिर जाना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी पथरी नहीं गई। और जब मैं उसके घर गया, उसने मुझे बताया कि अभी मेरा पथरी का ऑपरेशन हुआ है, प्रभु में आने के 20 साल बाद या 25 साल बाद। जिस कारण मैं परमेश्वर में आई थी, मुझे उसका ऑपरेट करना पड़ रहा है। मैं जानता हूं बड़ी अजीब टेस्टिमनी होगी आपके लिए। और देखो, परमेश्वर जो वफादारों के साथ वफादार है और सीधों के साथ सीधा है, वो मुझे बता रहा है उस घर के बारे में, जो घर मैं जानता नहीं हूं, मैंने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, उस गांव में मुझे कोई नहीं जानता, और उस घर में मैं जा रहा हूं, और वो बता रही है कि अब मेरी बेटी भी प्रॉब्लम में, इसके भी बेबी नहीं हो रहा, इसका भी वही चल रहा है जो मेरी लाइफ में चल रहा था। परमेश्वर मुझे कहा इन पे प्रार्थना करनी शुरू कर। प्रेयर हुई, बेबी बॉय अगले साल, उसका घराना, उसका बाप और उसको खुद, उसके बाद हीलिंग परमेश्वर ने दी। उसको और भी दिक्कतें थी। इमेजिन करो, अगर उन 15 सालों में जब उसकी हीलिंग नहीं हुई, अगर वो परमेश्वर में ना होती, तो क्या परमेश्वर मुझे उस घर का एड्रेस बताता? अब हाल ये था कि उस बीमारी के कारण परमेश्वर में तो आ गए, अब एक बीमारी तो अड़ गई है, लेकिन उसकी लाइफ में अदर थाउजेंड्स ब्लेसिंग आ चुकी है, हजारों। इमेजिन करो, अगर वो इस छोटी सी बात से कि मेरी पथरी का हल नहीं हुआ, परमेश्वर में ना होती, तो आज भी उसकी बेटी बच्चे को तरस रही होती, आज भी उसका हस्बैंड हीलिंग को तरस रहा होता, आज भी वो दूसरी हीलिंग्स के लिए तरस रही होती। कई बार परमेश्वर एक छोटी चीज को पकड़ के रखता है आपकी लाइफ में, आपकी वफादारी को जांचने के लिए, आपकी जेन्युइनिटी को परखने के लिए, आपके विश्वास को समझने के लिए, क्या आप सचमुच परमेश्वर के पीछे हैं। वे कुछ संतानें होते हैं जिनको बाप से कम, बाप की प्रॉपर्टी से ज्यादा प्यार होता है। वो बाप की प्रॉपर्टी तो चाहते हैं,
लेकिन बाप को नहीं चाहते, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को चाहते हैं। तो परमेश्वर मेक श्योर करना चाहता है कि आपको उस डेस्टिनी पे ले जाने के लिए, उस मंजिल तक, उस हायर कुर्सियों तक, उस लेवल तक लेके जाने से पहले वो परखना चाहता है कि आप उसकी प्रॉपर्टी के पीछे हैं या आप अपने बाप के पीछे हैं। फिलिप्पियों की पुस्तक उसका एक बाप। हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार की बढ़ती हुई है, यहां तक कि कैसर के राज भवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूं। प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। एक पुलिस की पलटन में, सिपाहियों की पलटन में 6,000 से 12,000 सिपाही होते थे उस टाइम। पौलुस के उस जेल में रहने के कारण वो सारी पलटन को मालूम हो गया था कि यीशु मसीह उद्धार करता है। बाकी लोगों में ये प्रकट हो गया था यीशु मसीह उद्धार करता है। लेकिन आज का विश्वासी अगर उसकी लाइफ में कोई झटका लगे, कोई करंट लगे उसको, क्या वो वही विश्वास में बना रहेगा जो उसको तब मिला था जब उसकी जिंदगी में एक बड़ी गवाही पैदा हुई थी? बड़ी गवाही अच्छी है लेकिन बड़े विश्वास से थोड़ी कम है। अच्छा है परमेश्वर आपको बड़ी गवाही दे, लेकिन उससे भी उत्तम है कि आपके अंदर बड़ा विश्वास हो। क्योंकि अगर बड़ा विश्वास हुआ तो बड़ी गवाहियां रोज पैदा होंगी आपके लाइफ, एवरी डे। आपके बच्चे, आपका फाइनेंस, आपका कैरियर, आपकी लाइफ, आपकी मिनिस्ट्री, जिस भी स्ट्रीम, जिस भी एरिया में आप बुलाए गए हैं परमेश्वर के द्वारा, आप उस एरिया में अपने मास्टर होंगे और बेस्ट होंगे। और यही पवित्र आत्मा का काम है। वो जानता है आपने कहां जाना है, वो जानता है कि परमेश्वर की प्लानिंग आपकी लाइफ में क्या है, वो जानता है किस ग्रेटनेस में परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है। और सबसे बड़ी बात, वो कभी भी आप पे जाहिर नहीं करता कि आप किस लेवल पे जाएंगे। आपके विश्वास को परखने के लिए, चेक करने के लिए आपको, आमीन। और जब आपको ये मालूम हो गया कि पवित्र आत्मा आपके लाइफ में आपको लेके जाएगा ग्रेटनेस की तरफ, वो आपको परखेगा, आपको चेक करेगा, हर वो चीज आपकी चेक की जाएगी। आपको चेक किया जाएगा कि पौलुस की तरह जब आपकी लाइफ में जेल है, और पौलुस परमेश्वर से क्वेश्चन कर सकता था कि परमेश्वर जितना मैं सामर्थी हूं, जितना मैं प्रचारक हूं, जितना मुझे समझ है, जितनी कलीसियाएं मैंने स्थापित की हैं, क्या ये अच्छा नहीं है कि मैं जेल में ना रह के तेरा काम करूं? हाँ या ना? बुद्धि क्या कहती, सेंस क्या कहती कि पौलुस को जेल में नहीं होना चाहिए? अगर परमेश्वर पत्रस को अपना दूत भेज के छुड़ा सकते, पत्रस जब जेल में था उसे बंद कर दिया जेल में, दूत आया उसकी पसली पे टैप, उठा, उसे ऐसा लग रहा था मैं दर्शन देख रहा हूं, मैं सपना देख रहा हूं। उसने उठाया, उसकी जंजीरें खुली, सारे दरवाजे अपने आप खुले। और जब दरवाजे खुले तो अभी पत्रस लग रहा था कि मैं दर्शन देख रहा हूं। जब वो अपने घर पहुंच गया तो उसको मालूम हुआ मैं दर्शन नहीं देख रहा हूं, मैं रियलिटी में हूं। मैं ये कहता हूं, अगर परमेश्वर पत्रस को छुड़ा सकता था, क्या वो पौलुस को नहीं छुड़ा सकता था? अगर वो पत्रस को भेज सकता है दूतों को छुड़ाने के लिए, तो पौलुस को क्यों नहीं भेजा? क्योंकि हम इंसानी दिमाग से सोच रहे हैं। अगर उस समय की पॉपुलेशन आप कितनी लगाते हो पूरी दुनिया की, आज से 2000 साल पहले बहुत कम। अगर पौलुस शरीर में खुला भी घूमता तो ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 करोड़ लोगों तक पहुंच पाता अपनी पूरी लाइफ में। आज उसी जेल में बंद पत्रियां 400 करोड़ से भी ज्यादा लोग पढ़ चुके हैं। अब बोलो, अब फायदा हुआ कि पहले था? लेकिन अगर शैतान जब ड्रामा करता है माइंड में, हाँ पता है ना ड्रामा, तू ऐसा क्यों है? अगर परमेश्वर है तो ऐसा क्यों, तू बाहर क्यों नहीं हुआ, उसके दूत कहां चले गए,
वो तुझसे प्यार नहीं करता। पत्रस को छुड़ा सकता है, तुझे नहीं छुड़ा सकता, लेकिन परमेश्वर को आने वाला कल मालूम। उसी पत्रस ने उस जेल में रहते हुए सबसे ज्यादा पत्रियां लिखी हैं जो आज आप पढ़ते हो। पत्रस ने सिर्फ दो लिखी, कई प्रेरितों की है ही नहीं, सबसे ज्यादा पौलुस की है। कलीसिया में सुधार सबसे अधिक पौलुस के, कलीसिया कैसे चलानी है सबसे ज्यादा पौलुस जानता है। पौलुस ने उस सब पत्रियों को उन जेलों से लिखा, अपनी कैद में लिखा। उस कैद में रहते हुए उसने दूसरे लोगों को बदला, पलटन को बदला, सिपाहियों को बदला, सेनापतियों को बदला। और आज आप उसको सुन रहे हो, पत्रस को पढ़ रहे हो, पौलुस को पढ़ रहे हो, सबसे ज्यादा क्योंकि ये परमेश्वर का प्लान था उसकी लाइफ। आज जब आप अपने दिमाग से सोचते हो, अपनी सेंस यूज कर इस्तेमाल में लाके कि परमेश्वर ने यह काम ऐसे क्यों नहीं किया, ये काम उसने ऐसे क्यों नहीं किया। आज मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके ऑस्ट्रेलिया में कहीं और जिंदगी में, कहीं और देश में, किसी कहीं सेट हो गया होता, लेकिन उस टाइम जब यह सब कुछ होना था, परमेश्वर ने मुझे पागल किया, डॉक्टरों के पास ले गया, सब बाबाओं सब तरफ गया, जब कोई इलाज नहीं हुआ, सुसाइड करने तक पहुंच के फिर यीशु मसीह के बारे में मालूम होता है। और जब मालूम होता है तो फिर भी हीलिंग नहीं होती, लोगों की हो रही है, इसकी हो रही है, इसकी हो रही है, इसकी हो रही है, कितने साल, एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पांच साल, दस साल, पता नहीं अब होगी कि नहीं होगी, लेकिन आज मैं हील हूं, डिलीवर्ड हूं, लेकिन अपने टाइमिंग से। हालेलुया। उस टाइमिंग से जो स्वर्ग में निर्धारित की गई थी, अगर वो टाइमिंग से मैं ना चलता तो आज आप यहां ना बैठे होते, आज आप ये टेस्टिमनीज ना सुन रहे होते। वो सब कुछ डिजाइन किया गया था हेवन के द्वारा। आमीन। लेकिन बाइबल कहती है शारीरिक व्यक्ति वो शरीर की आंखों से सोचते हैं, और आत्मिक व्यक्ति आत्मिक चीजों के ऊपर मन लगाते हैं। जिस दिन ये सारे ड्रामे खत्म हो जाएंगे दिमाग में कि हीलिंग होगी कि नहीं होगी, डिलीवरेंस होगी कि नहीं होगी, बरकत आएगी कि नहीं, जिस दिन ये ड्रामे खत्म हो जाएंगे और आप परमेश्वर को उस तरह से प्यार करेंगे जिस तरह आप अपने बाप को करते हैं, आप ये नहीं सोचते आज अगर बाप ने मुझे साइकिल नहीं दिया तो मैं पड़ोसी को अपना बाप बना लूंगा, आप उसी के पास ही रहते हैं, हाँ या ना। और जब ये माइंडसेट हो जाता है कि यीशु मसीह मेरा बाप है, मैं जानता हूं वो एकमात्र परमेश्वर है, ये गवाहियां साबित करती है, प्रेजेंस साबित करती है, वर्ड साबित करता है कि वो एकमात्र परमेश्वर है। जब आपको इस बात की समझ आ जाती है और आप इन ड्रामों से आजाद हो जाते हो, आपकी वो लाइफ शुरू होती है जो आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। फिर आपको समझ आता है कि अब बात सेटिंग की है। जब ये आपकी सेट हो गई, ये माइंड सेट हो गया, बाइबल कहती कि जब दूत ने कहा अब्राहम अगली ऋतु में जब मैं आऊंगा तो तू, तेरी वाइफ तो है वो बेबी के साथ ब्लेस्ड होगी, उसने क्या कहा, उसने कहा क्या अब मेरे संतान होगी, क्या क्या इस 99 साल के मरे हुए शरीर के क्या बच्चा पैदा होगा, क्या 90 साल की सारा जिसका गर्भ सूख चुका है, मर चुका है, क्या वो बच्चा जनेगी। इसका मतलब अब्राहम को ये शक रूपी विश्वास या विश्वास रूपी शक हो चुका था कि अब उसके बेबी तो नहीं होगा। तो वो प्लानिंग कहां गई परमेश्वर की, जिसके लिए परमेश्वर ने उसे अपने पास बुलाया कि मैं तुझे जातियों का मूल कर दूंगा, तेरे वंश में राजा पैदा होंगे, वंश होगा तो पैदा होंगे राजा, बच्चा तो हुआ ही नहीं। और परमेश्वर में आए हुए कितने साल हो चुके हैं, 24 साल, 75 साल का अपना देश छोड़ा था, अब तो वो लोग भी बातें करते हैं कि अब्राहम बड़ी बातें करके गया था कि परमेश्वर यहोवा ने मुझे आवाज लगाई है कि अपना देश छोड़ दे, मैं तुझे ये दूंगा वो दूंगा, तेरे को गलती लग गई है, तू पागल इंसान है, तेरे को साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स हो गई है, कोई अब तेरा ही दिमाग तुझसे बातें करता है, परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा तुझसे, अब तू बूढ़ा हो गया। पर बाइबल कहती तब भी, इसका मतलब कि परमेश्वर ने जब उससे कहा कि मैं तुझे दूंगा, इसका मतलब वो परमेश्वर में फेथफुल था तो परमेश्वर ने उससे कहा था, बना हुआ था तो परमेश्वर ने कहा, अगर बना हुआ ना होता तो परमेश्वर बात ना करता, क्योंकि परमेश्वर इमोशनल नहीं जो कहे हाय अब्राहम, हाय बैको चला मेरा अब्राहम, ओ फड़ो इनू जाके दसो चिंता ना कर दूं, परमेश्वर ऐसा नहीं। आप मुंह फेर लेंगे वो मुंह फेर लेगा, आप स्वर्ग नहीं जाएंगे
तो स्वर्ग में कोई भूचाल नहीं आने वाला, कोई और चला जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा बाय फेथ, विश्वास के जरिए ही तुम सब कुछ ले सकते हो। उसने ये नहीं कहा रोने के जरिए या मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करोगे तो इसके जरिए तुम सब कुछ, उसने कहा बाय फेथ, बाय फेथ, विश्वास से तुम मुझसे ले सकते हो। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। और बाइबल कहती है अब्राहम विश्वास में दृढ़ रहकर यह ना देखते हुए कि उसका शरीर मर चुका है, उसकी पत्नी का शरीर मर चुका है, लिखा उसने विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। क्या यह लिखा है कि उसने 24 साल के बाद शक में आके परमेश्वर को गालियां निकाली, मेने दिए, ताने दिए कि मैं तुझ में आ गया, अब क्या हुआ, मेरा क्या बना, मुझे क्या फायदा हुआ, लोग बातें करते मेरे विषय में, लोग मुझे पागल कहते हैं, तुझे मेरा सोचना चाहिए था। बाइबल कहता है उसने विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। आपकी गवाही लेट है, आपको एक ही वर्ड कहना चाहिए, वो जानते हैं, उसने आपकी प्रेयर सुनी, वो आपकी रिक्वेस्ट जानते हैं, आपकी टाइमिंग, आपका दुख दर्द, इमोशनल डिस्टर्बेंस सब जानते हैं, पर अगर आप थैंक यू जीसस बोलेंगे आपकी गवाही तैयार हो। आप बैठे हैं क्योंकि डिस्टर्बेंस जो मेरी लाइफ में थी, मैं उसकी पीएचडी है मेरे पास। एवरी डे घर वाले डिस्टर्ब, घर लड़ाई, बाहर लड़ाई, दोस्त खत्म, शरीर डाउन जा रहा है, बीमारियां, दुष्ट आत्माएं, अटैक, डिप्रेशन, मेंटल प्रॉब्लम, और होली स्पिरिट कह रहा है क्या बोलना है, थैंक यू जीसस। ये हथियार है, रोके चिल्लाना करलाना ताने मेने, ये हथियार नहीं, ये शैतानी है। बाइबल पढ़ लो, नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में, विपरीत परिस्थितियों में, मुश्किल हालातों में जिसने ये रूल अपनाया वही ब्लेस हुआ। हम परमेश्वर के लिए कई बार एक्साइटेड होते हैं, बोने में नंबर वन, प्रेयर में नंबर वन, फास्टिंग में नंबर वन, हम सोचते हैं कि अब सब कुछ मैं परमेश्वर में पूरा हूं, जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सोचता था और खिंच गया अंदर से, और चेलों को बोला उसको बोलो तू ही है कि मैं किसी और का इंतजार करूं, अभी तेरे को मालूम तो है वही है, तुझको तो यहोवा ने कहा था जिस पर तू पवित्र आत्मा को उतरता और ठहरता देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला, तो कबूतर के ना ही उस पर पवित्र आत्मा यीशु मसीह पे उतरा था, हाँ या ना, उसको मालूम था कि ये मसीह है, पर बोला क्यों, गुस्से से, खींच के, शरीर से, और परमेश्वर ने कहा जाओ उसको बोलो अंधे देखते, लंगड़े चलते, कोढ़ी शुद्ध होते हैं, और धन्य है वो जो मेरे नाम के कारण ठोकर। यीशु मसीह ने कहा मैं हूं तो वही, पर काश तू ठोकर ना खाता, और ये बोलता कि परमेश्वर तेरा थैंक्स कि तूने मुझे मौका दिया, मैंने तुझे बपतिस्मा दिया, अब अगर मेरी जिंदगी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है, तो वो छूट जाता। पर उसने क्या कहा, ताना दिया परमेश्वर को, और उसका गला क्या हुआ, कटा कट गया। वो किसी का पक्षपात नहीं करता, उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का इमोशनल ड्रामा स्वीकार नहीं किया, तो सोच लो हम किस जगह पे हैं, जिसको परमेश्वर यह कहता कि उससे बड़ा भविष्यद्वक्ता दुनिया में नहीं हुआ, उसका इमोशनल ड्रामा परमेश्वर ने इस्तेमाल नहीं किया, तो सोच लो क्या होगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, क्या बोल रहे हैं, आपका दिल नहीं करेगा, दिमाग नहीं करेगा, इमोशन नहीं करेंगे बोले आप थैंक यू जीसस, लेकिन आप बोलेंगे ही, यही हल है। और ये होली स्पिरिट का हल है, क्योंकि वो वैसा नहीं देखता जैसा हम देखते हैं, आप देखते हैं, जैसा इंसान शारीरिक रूप में सोचता है, शारीरिक तरीके से सोच के उसका हल निकालता है, या परमेश्वर को सोचता है कि काश तू ऐसा करता, पवित्र आत्मा अपनी रीति के साथ काम करता, उसको आने वाला समय मालूम है, वो मालूम है उसको कि आगे क्या रखा है आपके लिए और किस तरह से आपको लेके जाना है,
उसको मालूम था यूसुफ को किस तरह लेके जाना है। एक लाडला बच्चा, अपने घर का सबसे प्यारा बच्चा, प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी कुर्सी को ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए परमेश्वर ने उसे गड्ढे में डाला, भाइयों से रिजेक्ट किया, मौत का डर उसको था, नौकरी की, वहां जेल में रहा, सब कुछ उसने देखा। जब वो बाहर आया तो इतना स्ट्रांग था, अकेला रह के इतना कुछ देख चुका था कि अब उस कुर्सी पे बैठने के काबिल था। आप नहीं अपने हिसाब से चल सकते। वो ये नहीं कह सकता कि मैं अपने माता पिता के पास लाडला बच्चा बना रहूं और जब 30 साल का हूं एकदम से कुछ हो जाए और मुझे प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल जाए। उसके लिए परमेश्वर ने उससे प्राइस लिया, एक मूल्य उससे लिया, और परमेश्वर ने वो कुर्सी उसको दी। जो वायदा उससे किया था वो पूरा किया। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था, मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। इसका मतलब क्या है? कहता सेट कर अपनी, ट्यूनिंग कर अपनी। हालेलुया। प्रॉब्लम कहां है? बस सेटिंग में। एक बार हो गई तो मशीन धड़ाधड़ काम करेगी। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? बस वो सेट करने में टाइम लगता है, उस पवित्रताई को सेट करने में टाइम, उस प्रेयर के टाइम को, फास्टिंग को, उस सारे पवित्र आत्मा के तरीकों को अपनाने में टाइम लगता है। रिजल्ट में टाइम नहीं लगता अगर आप इन तरीकों को अपना ले तो। और ये तरीके शरीर एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, ये तरीके शरीर ग्रहण नहीं करना चाहता, ये फाइट करता है, लड़ता है आपसे, क्योंकि इसे मालूम है आप परमानेंटली आजाद हो जाएंगे शैतान के चंगुल से। शैतान को मालूम है अगर एक बार सेटिंग हो गई तो मैं गया। उसको इमोशनल, उसको खुद रास्ता बताने से ये अच्छा है परमेश्वर को कि आप चुप करके उसकी हजूरी में चलें, थैंक यू जीसस बोलते हैं। कितनी भी विपरीत, कितनी भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, ये आपके लिए दवाई है। अपने दिमाग से सोचो और अपनी सेंस से सोचो तो कुछ और लगेगा, लेकिन अगर हम होली स्पिरिट के द्वारा सोचेंगे तो शांत रहें। इसमें परमेश्वर की क्या है योजना है। आप टेस्टिमनीज को देखते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में जब निराशाएं, जब साइलेंट टाइम आपको हिट करते हैं, तब परमेश्वर देखते हैं कि आप किस तरफ जा रहे हैं। एक व्यक्ति अपने साइलेंट टाइम में पाप करता है, जब उसे लगता है सब तरफ साइलेंस है परमेश्वर की, बस जो चल रहा है, ये घर, ये थोड़ी सी जॉब, ये काम, ये धंधा है, थोड़ी सी नौकरी, थोड़ा सा बिजनेस, बस यही है मेरी लिमिट, तब शैतान उसे गिराता है। उसे ये मालूम नहीं ये उसकी तैयारी है, ये उसकी मंजिल नहीं। और जब तैयारी में वो मार खा जाता है, वो क्लासेस के क्लास बाद क्लासेस फेल होता जाता है। जिस तरह एक बच्चा अगर नौवीं में फेल होता जाए, हर साल होता जाए, और 20 साल बाद उसका पढ़ाई पर से विश्वास उठ जाए, तो गलती उस बच्चे की है, पढ़ाई की नहीं। क्योंकि ऐसे भी हैं जिन्होंने नौवीं पास करके दसवीं में गए और डॉक्टर बने और इंजीनियर बने। आमीन। पर हम अपनी मिस्टेक से, अपनी गलती से फेल होते जा रहे हैं और उसके बाद हम कह रहे हैं परमेश्वर ने कुछ किया नहीं। और एक व्यक्ति जिसको सेटिंग हो चुकी, जो समझ चुका है कि ये उसकी लाइफ है, जो आम यूथ करता है वो उसकी लाइफ नहीं, जो आम लोग करते हैं ये उसकी लाइफ नहीं, मेरी लाइफ अलग है, अगर मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मुझे करने के लिए बुलाया। सबसे बड़ा धोखा शैतान देता है, क्योंकि परमेश्वर जब भी किसी व्यक्ति को चुनता है ब्लेस्ड होने के लिए, वो हमेशा फेल, इग्नोर, सिंपल, छोटा, तुच्छ होता है हमेशा। जब भी परमेश्वर किसी को ब्लेस करने की ठानता है, दाऊद का घराना आम घराना था, जब शमूएल उसके घर में मसा करने के लिए गया तो उनकी टांगे कांप रही थी। पता है क्यों? जब भी कोई नबी किसी के घर में जाता था, या तो सीधी मौत थी, दुख थे, दर्द थे, या सीधा फिर हाई लेवल काम। उन्हें डर था कि शमूएल हमारे घर में क्यों आया, और लोगों को डर था कि शमूएल हमारे एरिया में क्या करने के लिए आया, और लोग पूछते थे क्या तू मित्र भाव से आया है, क्या तू दोस्ती के भाव से आया है, क्या कोई कड़क मैसेज कोई लेके आया नेगेटिव।
और उसने कहा नहीं मैं मित्र भाव से आया हूं। और दाऊद चुना गया, उसके भाई रिजेक्ट हुए। सबसे बड़ी बात, उसके भाइयों को पता तक नहीं था कि वो परमेश्वर के रडार के नीचे थे। कितने समझ रहे हैं? जब शमूएल ने पहला लड़का बुलाया, आ जा भी अमीना, आ जा सब आ जाओ भी, अच्छा पहला दूसरा तीसरा, परमेश्वर बोलता गया मैंने रिजेक्ट कर चुका हूं, मैंने निगलेक्ट कर चुका हूं, रिजेक्ट आइए, दूर हो जाएंगे। और आए दूसरा तीसरा चौथा, कैसे रिजेक्ट कर सकते हो आप किसी को, कैसे फेल कर सकते हो जब तक आपने उसका टेस्ट ना लिया? कर सकते हो फेल? बिना टेस्ट के किसी को फेल कर सकते हो? यानी परमेश्वर उनके टेस्ट ले रहा था और उनको मालूम तक नहीं था। कोई लड़कियों में बिजी था, कोई सिपाही की नौकरी है तो रिश्वत में बिजी था, कोई ऐश परस्ती में बिजी था, मालूम तक नहीं था कि मैं परमेश्वर के रडार के नीचे हूं। जिस राजे की मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं उस राजे की कुर्सी पर मैं रडार के नीचे हूं, उसके लिए मैं चुना गया हूं, मालूम नहीं था। आज सेम हाल विश्वासियों का है, मालूम ही नहीं कितने बड़े काम के लिए खुदा ने चुना है, किसी को मालूम नहीं। और अगर आप अलर्ट हो कि मैं खुदावंद के रडार के नीचे, उसकी पलकें मुझे नित जांचती हैं, उसकी आंखें मुझे देखती हैं, बाइबल कहती है, और अगर आपको मालूम हो कि इस समय परमेश्वर मुझे देख रहे, आपका दिल धक धक करेगा। आपको मालूम है परमेश्वर आपको देख रहा है, कोई आपको देख रहा है चाहे नहीं देख रहा। अगर उसने आपको अपने माइंड में फेल कर दिया, जो लाख आपके पास यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट हो, फेलियर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। लाख आप सुंदर हो, स्मार्ट हो, आपका पति आपसे प्यार नहीं करेगा। लाख आप इंटेलिजेंट हो, आपसे कम इंटेलिजेंट कामयाब होंगे और आप बैठे होंगे आराम से ये देखते हुए कि यार इसमें क्या है जो मुझ में नहीं, 10 गुना ज्यादा है। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना, पवित्र आत्मा को दिल में बसाना, पवित्र आत्मा के जरिए चलना, वो आपकी मदद करेगा आपको कामयाब। कामयाब छोटा शब्द है, आप खुद एक कामयाबी होंगे। लोग सिर्फ आपके साथ मिलकर कामयाब होना शुरू होंगे, आप ऐसा होंगे आने वाले टाइम। उसने कहा अगर तू प्यासा है तो मैं तुझे जीवन जल की नदियां बना दूंगा, तेरे अंदर से सोते बहेंगे, उसने कहा। ऐसा होगा कि लोग आपके साथ 10 मिनट मिलेंगे और लाइफ उनकी चेंज होगी। वो क्यों? वो पवित्र आत्मा का सोता, आपकी इंटेलिजेंस नहीं, आपकी एक्सीलेंस नहीं, वो पवित्र आत्मा का सोता जो आपने पिया अब आपके अंदर से बह रहा है। और ये पॉसिबल है अगर आपका बेस्ट फ्रेंड यीशु मसीह हो, आपका बॉयफ्रेंड वो हो, आपकी गर्लफ्रेंड वो हो, आपका मदर, आपका फादर, आपका सब कुछ अगर वो हो, ये बेस्ट है। बेस्ट लाइफ जीनी आपके लिए डेली का काम हो जाएगा, आप रोज उस लाइफ को जिएंगे यीशु मसीह के नाम। आपको मालूम होगा आप सक्सेस हैं, आपको मालूम होगा कि आप सक्सेसफुल नहीं, आप खुद एक सक्सेस, आप कामयाब नहीं, आप खुद एक कामयाबी हैं। उसने कहा ऐसा, अगर तू प्यासा है तो मेरे पास आ, तू अपना बोझ नहीं उठा सकता, तू थका हुआ है तो मेरे पास आ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तू मेरा बोझ उठा, मैं तेरा बोझ उठाऊंगा। उसका बोझ क्या है? सुसमाचार सुनाना। उसका बोझ क्या है? लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना। और आपका बोझ क्या है? वो फेलियर, वो स्ट्रेस, वो नाकामयाबी, वो बीमारियां, उसने कहा मैं उठाऊंगा उसे। तैयार है आप होली स्पिरिट के द्वारा चलने के लिए? वो सब पॉसिबल है जो दुनिया सोचती है पर होता नहीं, वो आप कर पाए। आपको देखते ही उसको सिर दर्द हो जाएगा, क्योंकि जो वो कहलवाना चाहता है हमारे मुंह से वो हम जानते हैं क्या है। और एक बंदा जीतना है, या आप या शैतान। अगर हम अपना अंगीकार नहीं छोड़ेंगे, शैतान को अपनी ग्राउंड छोड़ के जाना पड़ेगा। हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी में जो भी घटनाएं हुई, उन सब घटनाओं को याद करो, सब गवाहियां, सब चैलेंजेस, सब चुनौतियां याद रखो। अगर फेलियर ना आता तो आज हम चर्च में ना होते, अगर वो दुख ना आते तो मैं कभी भी परमेश्वर को ना जान पाता। थैंक यू जीसस, हर एक बात के लिए थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु बोलो।
प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। हालेलुया। क्या बोलेंगे घर जाके? बर्तन जब मांजने हैं ना, तो अपने पति को गाली निकालने, अपने बच्चों को खींचने के अच्छा ये क्या बोलना, पोछा मारते वक्त क्या बोलना, स्कूटर चलाते वक्त, बाइक चलाते वक्त, साइकिल चलाते वक्त, कार चलाते वक्त, प्लेन चलाते वक्त, ये शैतान नहीं चाहता। थैंक यू। और जब आप ये बात समझ जाते हैं, स्पिरिट की सेटिंग हो जाती है और आप में सामर्थ बढ़ती जाती है, इस तरह से आप परमेश्वर के करीब रहते हैं, नए रास्ते आपके ओपन होते हैं, प्रैक्टिकली टेस्टिमनीज आपकी लाइफ में एंटर होना शुरू होता है। अगर आप हर बात में थैंक यू जीसस बोलेंगे, चोरी करने में आपको क्या बोलेंगे, थैंक यू जीसस, आप नहीं बोल पाएंगे। और आपको माइंड में रखना है वो हर वक्त आप उसके रडार के क्या हैं। आपको कोई ना देख रहा हो, सबसे साइलेंट टाइम हो, सबसे टॉप टाइम हो, उसने कहा अगर कोई नीचे तो भी परमेश्वर में रहे कि ऊपर आ सके, अगर कोई ऊपर है तो खुदावंद में बना रहे ताकि वो गिरे ना। अगर ये माइंड में हम रखेंगे, स्पिरिट सेट कर लें, तो डिलीवरेंस आसान होगी, हीलिंग आसान होगी, आसान होगा। परमेश्वर की स्पिरिट आपसे स्ट्रगल नहीं करेगी कि वो आपको किस तरह से आपकी लाइफ में काम करे। बच्चे होते हैं ना कुछ जिद्दी, एक टीका लगना होता है, आई 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 आई, टीका नहीं लान देने के डॉक्टर। कुछ बच्चे होते हैं खड़े होते हैं आराम से, लगा भी टीका डाल लगाना, वो हाल है। अगर हम हिलेंगे ज्यादा तो वही टीका मार खा के रो के दुखी होके लगवाएंगे, चुप करके अगर सह लेंगे तो जल्दी काम हो जाए। बात स्पिरिट की सेटिंग की। आमीन। आमीन। मुझे पता ये आसान नहीं, क्योंकि मैं बहुत खिंचता था तब कि क्यों परमेश्वर नहीं करता, क्यों मुझे नहीं करता, मैंने इतने क्रूसेड्स करवाए, इतनी मीटिंग, क्यों नहीं परमेश्वर। जब तक मैंने वो छोड़ा नहीं अपना, तब तक परमेश्वर ने छुआ नहीं। उसने कहा जिस तरह दूध छुड़ाया बच्चा अपनी माता के गोद में रहता है, उसे मालूम है अब दूध मुझे नहीं मिलेगा, मुझे बॉटल वाला पीना पड़ेगा, पर उसका मन करता है लेकिन वो बैठा है। उसने कहा उसी तरह दूध छुड़ाए बच्चे की तरह तुम अपने पिता की गोद में रहो। तुम्हें मालूम है कि परमेश्वर उस तरह से काम नहीं करेगा। एक टाइम आया परमेश्वर ने कहा इसराइलियों को अब आसमान से मन्ना नहीं बरसेगा। एक समय था जब बरसता था, अब परमेश्वर चाहता था कि वो विश्वास के द्वारा चले। हालेलुया। आपको क्या बोलना है, थैंक यू। और ये स्पिरिट अपनी सेट रखनी, कुछ भी हो जाए, थैंक यू जीसस, आप ब्लेस्ड हैं, आप ब्लेस्ड हैं यीशु के नाम। Amen.